नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को देर शाम हुई कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप देने का फैसला किया है। इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इसके साथ ही आपातकाल के दौरान बंदी रहे मीसा बंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक लाया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा करते हुए अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन तक करने का भी फैसला लिया गया। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार की देश भर में प्रसिद्ध लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी रूप देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि सरकार कोई भी रहे, लाडली लक्ष्मी योजना चलती रहेगी। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। कर्मचारियों के हितों में दो बड़े फैसले करते हुए सरकार ने तय किया है कि अब अधिकारियों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की सुविधा केंद्र सरकार के समान 300 दिन की मिलेगी। अभी 240 दिन अवकाश जमा करने के प्रावधान थे। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2018 से लागू की जाएगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन टैक्स के लिए आय सीमा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश वृत्ति कर संशोधन अधिनियम लाया जाएगा। For more information, log on to www.clips.in.